यहाँ पर आपको पौधों से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड, फलों से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, उच्च कोटि की जानकारी आपको मिलेगी। अगर मुझे अपने गमले में हरी मिर्च का पौधा लगाना है तो मैं कैसे लगा सकती हूँ? मिर्च लगा दो, टमाटर लगा दो, बैंगन लगा दो, इसमें फर्स्ट क्लास का लगा। 50 रुपए की 100 सैपलिंग। उसके अंदर सीधा ग्रो कर देंगे बीज को, पालक आ जाएगा, धनिया चाहेंगे उसमें धनिया ग्रो कर दें, धनिया आ जाएगा। गेंदे की माला से, फूलों से सीड्स बनाने का तरीका है, नाम है पोपी। पोपी लिली भी बोलते हैं इसको, लिली वाला? नहीं नहीं, लिली नहीं, पोपी है, लिली दूसरा है। ये जो नींबू का पौधा है ये बिना बीज के है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमने इसको गुट्टी बांधनी होती है, 6 के अंदर नींबू आते हैं, एक एक गुच्छे में 20 से 25 नींबू लग जाते हैं। यहाँ पर लोग क्यों आए ज्यादा से ज्यादा, क्या इस चीज की स्पेशलिटी है, खासियत है इस जगह की? नर्सरी अगर हमें खुद तैयार करनी हो तो ले जाओ यहाँ से। एक नया शुभ दिन और एक नई लोकेशन के साथ मैं हूँ द्वारका की सेक्टर 19 में। ये है हॉर्टिकल्चर व फ्लोरिकल्चर डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर। यहाँ पर आपको पौधों से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड, फलों से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, उच्च कोटि की जानकारी आपको मिलेगी। आप अंदर जाइए और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। तो चलिए मेरे साथ, तो आइए इस जगह की जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो ज़रूर करना ही है और शेयर भी करना है, और जो मेरी वीडियोस आएंगी उनके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन पे दबाना है। आज मैं आपको लाई हूँ एक ऐसी जगह जो द्वारका के बीचों बीच में है, और मैं आपको किसी से मिलाना चाहूँगी, राम अवतार शर्मा। तो आज सर हमें बताएंगे कि गमलों में कैसे ऑर्गेनिक हम अपने पेड़ पौधे उगा सकते हैं, सब्जियाँ, और यहाँ पर हमें वो मिलेंगे भी, उसकी जानकारी भी सर हमें इस वीडियो में देंगे। और ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर एक्चुअली में अब क्या होता है, अब क्या चल रहा है? सिर्फ फ्लावर्स की, फ्लावर का ये है सर्दी के टाइम पर सर्दी के लिए तैयार करने हैं, इसके बाद में जो पौधे हैं वो पौधे हम खुद यहाँ पर तैयार करेंगे, जो भी पौधे हैं मदर प्लांट से वो पौधे तैयार करने हमने और उसको फिर वैसे सेल के लिए। गवर्नमेंट नर्सरी में तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि सेल नहीं होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ्री प्लांट के लिए। यहाँ पहले कोई कुछ प्रोसीजर चले था, कोई 3-4 साल जो हमने यहाँ पे फ्री प्लांट दिए थे लोगों को, वो भी कहीं से आते थे, यहाँ से नहीं थे, कहीं से आए, वो हमको मिले और हमने वो आगे दे। अब उसके लिए ना एक हमारे एक नर्सरी मिलेनियम डिपो IPO के पास, वहाँ पे हमारे फ्री प्लांट है, वहाँ पे जो है सारे फ्री पौधे। यहाँ पर लोग क्यों आए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या इस चीज़ की स्पेशलिटी है, खासियत है इस जगह की? वैरायटी की पौध तैयार की है। अच्छा। तो वो पहले जो हम तैयार करेंगे पौध वो सेल के लिए, वो भी इस उस कॉस्ट पे जो आसपास में नहीं मिलेगा। अच्छा, सस्ते, सबसे सस्ता 50 पैसे पर प्लांट के हिसाब से छोटे पौधे जो हम तैयार करेंगे, सब्जियों के लेने आप चाहेंगे, फूलों के लेने चाहेंगे, 50 रुपए के 100 पौधे। तो ये हम कुछ आधार कार्ड या कुछ आइडेंटिटी कार्ड पे मिलेगा या नहीं? नहीं, तो सेल का है, आपने पेमेंट देनी है। अच्छा, तो फिर हम स्कूल्स के लिए भी ले सकते हैं? कहीं आप जहाँ चाहेंगे ले सकते हैं उसको। अच्छा, अपनी नर्सरी अगर हमें खुद तैयार करनी हो तो ले जाओ यहाँ से। यहाँ पर ये जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पर आपको अपने मन चाहे पौधे, सब्जियाँ, फूल आपको मिल सकते हैं, तैयार किए हुए अच्छी से अच्छी ब्रीड। तो प्लीज़ आप जल्दी से आइए और इस जगह का फ़ायदा उठाइए। सर हमें और भी ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं, तो हम चलते हैं इनके साथ, देखते हैं क्या क्या है गमलों में कुछ सब्जियाँ। और हमने इस बार भी गमलों में सब्जी लगाई हुई है। अच्छा। टमाटर लगाया हुआ है, मिर्च लगाया हुआ है, बैंगन लगा। तो ये कोई बता सकते हैं, जैसे मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मतलब मेरे को नाम मात्र, अब तो बस नर्सरी घूम घूम के मुझे नॉलेज हो गई है। तो अगर मुझे अपने गमले में हरी मिर्च का पौधा लगाना है तो मैं कैसे लगा सकती हूँ, कितना बड़ा मुझे पौधा लेना? सैपलिंग जो तैयार हो गया 6 इंची। अच्छा, 6 इंची का साइज होगा उसका। जितनी छोटी सैपलिंग आप गमले में लगाएंगे उतनी अच्छी ग्रोथ। अच्छा, तो गमला कितना साइज का लेना चाहिए मुझे?
जो आपको तैयार करना है कि इसी में आपने फल लेना है, तो कम से कम आपने 10 इंची या 9 इंची गमले में लगा दो, फिर उसको छेड़ने की जरूरत। अच्छा, बस 9-10 रुपए का होता है जो ये 10 इंची। हाँ हाँ हाँ, ये 10 चंपा लगी हुई है, ये 10 इंची है हमारा, इसमें आप लगा दो एक बार। अच्छा, मिर्च लगा दो, टमाटर लगा दो, बैंगन लगा दो, इसी में फर्स्ट क्लास चला। तो बेबी टमाटोज होंगे छोटे वाले या बड़े? देसी टमाटर मैं आप लगा हुआ दिखा सकते हैं। हाँ, अभी लगा हुआ क्या, ये बैंगन है, ठीक है। अच्छा। यही बैंगन हमने गमलों में अंदर लगाया, ठीक है। और ये मिर्च की पौधे, ये मिर्च लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप मिर्च क्या बड़ी हो गई है ये। और ये टमाटर देसी टमाटर है, ये लाल वाला जिसको देसी टमाटर बाजार में हम लेते हैं, ये वाला। मतलब आप ये अपने जो टमाटर के पौधे हैं, हरी मिर्च के पौधे हैं, सर ने बताया कि आप 10 इंच का गमला भी ले लेंगे तो उसमें भी ये फल आपको देगा और फूल भी देगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने घर में उगा सकते हैं ये ऑर्गेनिक चीजें। पालक लेना है तो सीमेंट की जो बड़ी ट्रे आती है आजकल, सीमेंट की जगह प्लास्टिक की आने लगी है, उसके अंदर सीधा ग्रो कर देंगे बीज को, पालक आ जाएगा, धनिया चाहेंगे उसमें धनिया ग्रो कर दें, धनिया आ जाएगा। कैरी टाइप होती है ना, प्लास्टिक की भी होती है, सीमेंट की भी होती है, उसके अंदर आप उगा सकते हैं अपने घर के खाने के, आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर पालक देख पा रहे हैं, तो पालक की जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये आप अगर अपने घर में उगाना चाहें तो आप बड़ी कैरी भी ले सकते हैं, चाहे वो सीमेंट की हो चाहे प्लास्टिक की हो, और उसके बाद आप इसमें बीजे डाल सकते हैं और बीजों से ये आपका ऑर्गेनिक उग सकता है पालक एकदम बिना केमिकल के। तो बहुत ही इजी है इसे उगाना, आप बीजों को सिर्फ, और इसमें कोई भी आपने कुछ भी नहीं मिलाना है, मिट्टी के साथ आप इसमें गोबर की खाद ही मिलानी है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा और इस 15 दिन में ये स्प्राउट होने लग जाएगा और आपको दिख जाएगा। तो इसमें आपने बीज ऊपर ऊपर डालनी है और उसके ऊपर बस ऊपर से हल्का सा मिलाना है, उसे पूरा दबाना नहीं है, और ये 15 दिन में स्प्राउट हो जाएगा। तो आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। गेंदे की दो वेराइटियाँ हैं, 43 रुपीज़ की गमले के साथ है, और ये वाले, ये वाइट वाले और ये सारे प्लांट्स जो हैं गमले में 50 का, ये गमले के साथ 50 रुपये के हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं कैमरे से आपको कवर करा देती हूँ, बहुत सारी वेराइटी है फ्लावर्स की। देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये गेंदे के फूलों से सीड्स तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने मंदिर में मूर्तियों पे फोटोज पे गेंदे की माला भी डालते हैं, फूल माला है, तो हमें समझ नहीं आता हम उन्हें क्या करें। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका है गेंदे की माला से, फूलों से सीड्स बनाने का तरीका है। सर मैं जान सकती हूँ कि इसे कैसे, अब क्या करना होगा इसके आगे, इसे धूप में सुखाने के बाद? सूख जाएगा, सूखने के बाद में ये सीड है, ये सारा सीड है। ओके, ये सारे सीड्स हैं, इसे हम इसको जब दोबारा तय होगा तब इसको डाल देंगे, मिट्टी में डाल दिया जाएगा। और अगली बार ऊपर डालना है या नीचे मिट्टी में? जमीन की ऊपर की परत, जैसे अगर गमले में हम उगा रहे हैं सपोज, हल्का सा ज़्यादा तो नहीं, कुछ भी गहराई में डालते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी में डाल के मिक्स करके छोड़ देते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं। तो ये उगाता है, कितना प्रोसेसिंग में टाइम लगता है? जब हम इसको डालते हैं तो 15-20 दिन के अंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पौधे हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसमें फूल भी आ रहा है टमाटर का। तो ये 50 रुपये का है पॉट के साथ, और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं बैंगन भी 50 रुपये का है पॉट के साथ, और ये सीजनल फ्लावर्स हैं, और भी बहुत सारी हरी मिर्चे का पौधा है, ये सब आपको 50 रुपीज़ में पॉट के साथ मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट है यहाँ पर। और ये पीले वाले फूल, ये देखिए 50 रुपीज के फ्लावर्स हैं, ये सीजनल हैं, लेकिन ये बस अभी ही सुंदरता बढ़ा पाएंगे आपके घर की, आपके ड्राइंग रूम की। ये जो नींबू का पौधा है ये बिना बीज के है, ये जितने भी इसमें आप फूल आ रहे हैं इसमें जो नींबू निकलेंगे उसमें बीज नहीं होगी, तो सर आपको बताएंगे ये बिना बीज के पौधा है, अब ये पौधा बनेगा कैसे, तो सर क्या करते हैं इसमें? ये टहनी है हमारी, ये वाली, हाँ ये जी, देख लिया, हाँ जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमने इसको गुट्टी बांधनी होती है तो इसके एक एक रिंग
ऐसे लगता है कट, एक रिंग में यहाँ लगेगा, बीच में साइड लगेगी, इसकी जो ऊपर की स्किन होगी उसको हटा दिया जाएगा, और हटाने के बाद में एक आती है इसमें लगाने के सेराडेक्स B1 या B3, अच्छा, उसको उसमें लगा देंगे, और एक हमारे पास होता है मॉस ग्रास को टाइट करके इस पे बांधेंगे, पानी में गीला कर रहेगा वो, और उसके ऊपर जो है पॉलोथिन जो होगी पन्नी उसको बांध देंगे टाइट, इधर से और इधर से बीच में दोनों साइड से, इसके बाद इसमें इसी के अंदर जो है ग्रोथ कर जाएगी जड़ें, जब ग्रोथ कर जाएगी तो उसको यहीं से कट करेंगे और इसको गमले में जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ये इसकी नींबू की क्वालिटी अलग रहेगी या क्या स्वाद? जैसे और नींबू है वैसे ही होता है, लेकिन साइज का सबसे बड़ा बात है, और ये साल के अंदर 2 बार फल देता है, और गुच्छे के अंदर नींबू आते हैं, एक एक गुच्छे 20 से 25 नींबू लग जाते हैं। अच्छा, यानी फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा इसमें, और इस साइज तक का नींबू बड़ा बन जाता है, इसकी वजह से मौसमी से थोड़ा छोटा, अच्छा, और बहुत ज्यादा रस। तो सर ये गमले में ही रहेंगे या इतने घर ले जाके मिट्टी गमले में भी फल? ऐसा है ना, गमले में आप जो चाहें कि हमें जिसमें फल हमें मिलेगा तो इसमें फल कम आएगा, बहुत कम आएगा। अगर आप चाहें कि हमें घर में शौक के रूप से लगाना है तो जो 200 लीटर का ड्रम आता है नीले वाला, उसका हाफ काट के आप उसमें लगा देंगे तो आपको कर देंगे। ये 101 रुपए का है गमले के साथ, और ये गवर्नमेंट नर्सरी के यहाँ के रेट हैं जो फिक्स्ड हैं बाय गवर्नमेंट। ये देखिए चंपा तैयार हो रही है, ये 250 रुपीज का है गमले के साथ, और ये चंपा रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे इसमें, और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप ये व्हाइट फ्लावर्स के साथ है, 172 इसके रेट है, और सर ने बताया है कि इसी में ही ये फ्लावर देना भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको गमला भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये 40 रुपीज ईच है एलोवेरा, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो इसकी जानकारी हम सर से ले लेते हैं। ये इंडोर भी है आउटडोर दोनों है। इसका जो नाम है मनी प्लांट है, छोटा बड़ा है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट 251 रुपए है, और इसका है नाम ऑक्सोकोडियम, एवरग्रीन रहता है और पतझड़ भी नहीं होता है, अच्छा, बहुत कम पतझड़ होता है इसका मनी प्लांट की अपेक्षा। अच्छा, मनी प्लांट तो एक बार में सारे पत्ते गिरा देता है अपना, अच्छा। लेकिन ये पत्ते नहीं गिराता है पूरी तरीके से, और ये पीले क्यों हो रहे हैं? ये कलर्ड है इसका ही, ऑक्सोकोडियम गोल्डन, अच्छा, नाम ऑक्सोकोडियम गोल्डन है, ये गोल्डन ही है, अच्छा जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पर आके जो भी आपको प्लांट से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि आप अपने गमलों में पौधे कैसे उगा सकते हैं, फूल कैसे उगा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर एकदम विस्तार से मिल सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर छोटे वाले सैपलिंग्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आपको और जो भी अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं उस पर आपको मिल जाएगी, जो मार्केट रेट से सस्ते ही हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जगह है जो अपने घरों में ही प्लांट्स लगाना चाहते हैं, पौधे उगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक प्लांटिंग करना चाहती है, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, और तुलसी हो गई, बेजल, छोटे छोटे जो आप अपने पॉट्स में भी उगा सकती हैं, हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं वो ये सब बहुत ही ईजिली यहाँ पर उगा सकती हैं, तो यहाँ वो लोग भी यहाँ से आके जानकारी ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और इसे लाइक करिए, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इस जगह की लोकेशन और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, कीप वॉचिंग, और बोलो प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, और हमारी दिल्ली को ग्रीन बनाओ, हमारी दिल्ली को।